परिचय। सर, हम एक फल के अंदर बीज क्यों पाते हैं? श्याम, पादपों में लैंगिक प्रजनन के बाद ही बीज विकसित होते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होता है सर? दो युग्मकों के मिलने से एक नया जीव उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। सर, पादप का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में हिस्सा लेता है? बेटा, पुष्प पादपों के लैंगिक अंग होते हैं, इसलिए ये लैंगिक प्रजनन में हिस्सा लेते हैं। ये सुंदर पुष्प फल और बीज के रूप में कैसे प्रजनन करते हैं? ठीक है, आओ हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में विस्तार से जानते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक पुष्प के हिस्सों की पहचान करना, पुंकेसर की संरचना और लघु बीजाणुधानी की प्रक्रिया को समझना, जायांग की संरचना और गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड की प्रक्रिया को समझना, परागण को समझना और परागण के विभिन्न कारकों की पहचान करना, निषेचन के प्रकारों को समझना, भ्रूण पोष, भ्रूण, बीज और फल के विकास को समझना। पुष्प के हिस्से। पुष्प अंगों की तीन प्रमुख श्रेणियां हैं, प्रजनन अंग मादा, प्रजनन अंग नर और गैर प्रजनन अंग। प्रजनन अंग मादा, अंडप या स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। प्रजनन अंग नर, पुंकेसर, पराकोश, डंठल तंतु यानी फिलामेंट, पराग। गैर प्रजनन अंग, पंखुड़ी यानी दलपुंज, रस यानी वाहिदल, टेपल्स। निषेचन पूर्व घटनाएं। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन में निषेचन से पूर्व निम्न घटनाएं होती हैं, लघु बीजाणुधानी और पराग कण का विकास, गुरु बीजाणुधानी एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, पुंकेसर और पराकोश की संरचना। पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर में लंबा एवं पतला डंठल तंतु यानी फिलामेंट तथा द्विपालिक संरचना पराकोश होती है। पराकोश की संरचना। द्विपालित पराकोश दो कोष्ठ होते हैं। पराकोश में चार विवर या लघु बीजाणुधानी होते हैं जो परागपुटी यानी पोलन सेक्स के रूप में विकसित होते हैं। लघु बीजाणुधानी और पराग कण का विकास। लघु बीजाणुधानी। पराकोश में प्रत्येक द्विगुणित मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु या लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। हर अगुणित लघु बीजाणु एक विस्तृत दीवार पर पनपते हैं और सूत्री विभाजन के द्वारा पराग कण बनाते हैं। पराग कण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दो सतही भित्ति होती हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल में रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। पराग कण के परिपक्व होने पर उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका समाहित होती है। जायांग और बीजांड की संरचना। जायांग। जायांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसके अंदर एक गर्भाशयी कोहा यानी कोष्ठक होती है जिसमें एक एक अपरा यानी नाड स्थित होती है। अपरा से गुरु बीजाणुधानी या बीजांड निकलता है। बीजांड एक अध्यावरणी गुरु बीजाणुधानी है। इसमें बीजांड काय होता है जो एक या दो अध्यावरण या संरक्षक आवरण से घिरा होता है। बीजांड के अंग। बीजांड वृंत।
हाइलम यानी फेनिकल, संधिरेखा यानी रेफ, बीजांडकाय, भ्रूणकोश, अध्यावरण यानी इंटीजुमेंट्स, बीजांडद्वार यानी माइक्रोपाइल और निभाग यानी कैल्चा। गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद का विकास। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया विकसित होते बीजांड के बीजांडकाय के अंदर घटित होती है। एक प्रसूतक कोशिका बीजांडकाय में बीजांडद्वारी शीर्ष पर विभाजित होती है। एक प्रसूत की एक कोशिका बाह्य भित्तीय कोशिका और आंतरिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजित होती है। स्पोरा रॉगनॉस कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह व्यवहार करती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से चार गुरु बीजाणुओं का उत्पाद होता है, जिनमें से एक कार्यशील होता है और अन्य तीन अपविकसित यानी अपभ्रष्ट हो जाते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन से स्त्री यानी मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। मादा युग्मकोद्भिद में आठ केंद्रीय न्यूलिएट यानी भ्रूणकोश की रचना करते हैं। भ्रूणकोश की तीन कोशिकाएं, दो सहायक कोशिकाएं और बीजांडद्वारी शीर्ष स्थित एक अंड कोशिका अंड उपकरण का निर्माण करती है। तीन प्रतिव्यासांत एंटीपोडाल कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती हैं। केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। परागण। परागकण के नर परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण तीन प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, एक ही उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है, स्वपरागित पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास अवस्थित होते हैं और स्वपरागण या ऑटोगैमी को सुलभ कराते हैं। सजात पुष्पी परागण, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण होता है। पर निषेचन, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक। परागण अभिकर्मक ऐसा कारक होता है जो एक ही प्रजाति के पादप के पुष्प में पराग को नर से मादा के प्रजनन अंग तक स्थानांतरित करता है। परागण के अभिकर्मक में शामिल हैं वायु, जल, कीड़े यानी कीट, तितली, मक्खी, मधुमक्खी और भृंग आदि, चमगादड़, पक्षी और अन्य पशु। निम्न चित्र परागण में सहायता के लिए गुंजन पक्षी की लंबी पतली चोंच और पतली पुष्पीय नलिकाओं का सहविकास को दर्शाता है। मूल्यांकन। पुष्पों को उनके प्राकारियों के अनुसार निम्न तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पुष्पीय अंगों को उनके उचित वर्गीकरण के अनुसार मिलान करें। पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी पारस्परिक क्रिया। सुयोग्य परागण द्वारा पराग कण किसी जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न करने हेतु वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। परागकण के तत्व अंडाशय में स्थित बीजाणु बीजांडद्वारी शीर्ष तक पहुंचने के लिए पराग नलिका के माध्यम से गमन करते हैं। इसके पश्चात पराग नलिका तंतु रूप समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है। इस तरह युग्मक संलयन पूर्ण होता है। अन्य नर युग्मक
केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्ली यानी केंद्रकी की ओर गति करते हैं और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित बनाते हैं। इस तरह इसे त्रिसंलयन कहते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में शामिल है भ्रूणपोष का विकास, भ्रूण का विकास, बीजांड बीज के रूप में और अंडाशय फल के रूप में विकसित होना, भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग की जाती हैं। भ्रूण विकास। गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण के निर्माण के लिए युग्मनज प्राक भ्रूण का समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूण की संरचना। एक भ्रूण में समाहित होते हैं एक भ्रूण ये अक्ष, दो बीजपत्र यानी डाइकोट में और एक एक बीजपत्र यानी मोनोकोट्स में। बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन यानी एपिकाटील बीज पत्रोपत्रिक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। बीज और फल का विकास। निषेचित बीजांड बीज बनता है, अध्यावरण बीज का आवरण बन जाता है जिसे बीज चोल कहते हैं। परिपक्व बीज दो प्रकार के हो सकते हैं, एल्बुमिनियस और गैर एल्बुमिनियस। फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जिसके अंदर बीज होते हैं। अंडाशय की दीवार फल की दीवार यानी छिलके के रूप में पतल जाती है जिसे फल भित्ति कहते हैं। मांसल फल के फल भित्ति में शामिल है अंता फल भित्ति यानी बीज के चारों ओर, मध्य फल भित्ति यानी मांसल भाग, वाहे फल भित्ति यानी त्वचा। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। क्या आप जानते हैं पराग कणों को शर्करिक विलयन, विलयन की सांद्रता 2% से 20% के बीच में डालकर पराग नलिका के उत्पादन को कृत्रिम तरीके से उत्प्रेरित किया जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। पादप के पुष्प में निहित होता है नर जनन अंग यानी पुंकेसर, मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर और गैर जनन अंग। परागकण परागकोश के लघु बीजाणुधानी के अंदर विकसित होते हैं। स्त्री केसर के 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। गुरु बीजाणुधानी प्रक्रिया के बाद 1 7-कोशिकीय एवं 8 न्यूक्लीकृत भ्रूण कोश का निर्माण होता है। परागण एक प्रक्रम है जिसमें परागण परागकोश से वार्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। आवृत्ति बीजी दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्रत्येक भ्रूण कोश में 2 संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होते हैं। युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष ऊतक गठित करती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है।